पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की रणनीति के बारे में चर्चा भी की है। किरण चौधरी ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे दिन के वादे किए थे, लेकिन आज पेट्रोल का दाम 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। किरण चौधरी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल पर टैक्स कम नहीं कर रही है और देश की जनता की जेब से पैसे निकालने में लगी है। उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल प्रति बैरल 60 रुपए के करीब है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो रहे। वही किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए किरण चौधरी ने कहा कि ये सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है और इनके मंत्री किसानों की मौत पर हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जो हर एक को जिससे वास्ता पड़ रहा है वो है महंगाई का, और महंगाई आप देख ही रहे हैं कितनी चरम सीमा जो है छू गई है। अच्छे दिन का वायदा जो है मोदी जी ने करा था, तो ये अच्छे दिन जो है मेरे ख्याल में सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए आए गए हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल हो गया है, डीजल 90 रुपए जो है वो भी पार होने जा रहा है। तो ये हालात जो आज हो गए हैं, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, तिलहन हर चीज जो है इतनी महंगी हो गई है, ये आम आदमी की जेब के ऊपर इतना जबरदस्त डाका है। और वो केवल और केवल इसलिए कि सरकार जो है अपने टैक्सेस कम करने के उसमें वो नहीं है, और जो सारा पैसा है आम जनता की जेब से निकालना चाहती है। मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि कोई मंत्री या पता नहीं कौन किसी ने ये कहा कि ये तो केंद्र का मुद्दा है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं एक्साइज और टैक्सेशन मिनिस्टर थी, उस समय पेट्रोल के जो क्रूड ऑयल के जो भाव थे, जो बाहर से जो आता है क्रूड ऑयल, $108 प्रति बैरल था, और हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव होता था कि वही रेवेन्यू आप जानते हो इकट्ठा करने के लिए, तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी के बारे में सोचा है, कभी मुनाफा कमाने की बात नहीं सोची, हमने एक्साइज ड्यूटीज जो है हरियाणा के अंदर सबसे कम थी उस समय, अगर आपको याद हो। आज जो है क्रूड ऑयल की जो बैरल है, दैट इज आई थिंक बिटवीन $50 and $60 पर बैरल, और उसके ऊपर इतना जबरदस्त ये जो है सेंट्रल वैट अलग लग रहा है और यहाँ पे एक्साइज ड्यूटीज जो है वो अलग लग रही हैं, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हो कि खुलेआम जो ये ऑयल की कंपनीज हैं ये अपना जो है मनमानी कर रही हैं। गैस का जो सिलेंडर है अभी 25 रुपए जो है, कल परसों मेरे ख्याल में 25 रुपए और बढ़ा दिया, तो करीब करीब 800 रुपए का जो है वो गैस सिलेंडर हो गया। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।